शिवपुरी के सीनियर बालक उत्कृष्ट छात्रावास अनुसूचित जाति जनजाति में रहने वाले बच्चे इन दिनों छात्रावास अधीक्षक की मनमानी के कारण परेशान हैं। छात्रावास अधीक्षक की शिकायत लेकर मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे बच्चों ने बताया कि उन्हें छात्रावास में न पीने और न ही नहाने के लिए पानी मिल पा रहा है, वहीं न ही अच्छा खाना मिल रहा है। छात्रावास अधीक्षक द्वारा 250 ग्राम दूध में 40 बच्चों को चाय पिलाई जा रही है। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्हें तेल साबुन और स्टेशनरी के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। अधीक्षक से शिकायत करने पर वह कहते हैं कि बजट नहीं है, अपने पैसों से टैंकर डलवा कर पानी पी लो। शिवपुरी से सुब खान की रिपोर्ट। और टॉयलेट राशि जो है वो शासन से जो है भोपाल से डलती है, बच्चों के जो है आजकल खातों में डायरेक्ट आती है। स्टेशनरी और उसका तो शासन से आ गया पैसा, लेकिन बच्चे पानी भरवाने के लिए टैंकर करने के लिए आप खुद कलेक्ट करेंगे पैसे? किसने कहा है? बच्चे बोल रहे हैं कि आप खुद कहते हो कि नहीं नहीं जी नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता, गलत बात। सबसे ज्यादा समस्या आपके हॉस्टल की, पिछले दो महीने पहले भी आए थे, बच्चे नहीं आए थे। खाने की क्वालिटी कैसी आती है आपके छात्रावास? अच्छा खाना मैं भी खाता हूँ। अच्छा आप भी खाते हैं जी? हेलो, मेरा नाम आकाश आदिवासी है। हम सीनियर वाला खुद कर छात्रावास आए, दीपक तोमर के छात्रावास है। हमारे छात्रावास में पानी की भी समस्या है और खाने की भी समस्या है और नाश्ते की भी समस्या है। पानी की समस्या है कि नहाते हैं ना वो पानी, मतलब टंकी में लारा पड़ रहा है, कभी से सफाई नहीं हुई उसकी। और खाने में ये है कि चावल जल जाते हैं और दाल भी बहुत पतली मिलती है। और नाश्ते में जैसे चाय के साथ 250 ग्राम दूध में पूरे 40 बच्चों को दूध बन, मतलब चाय बन जाती है। अब पता 250 ग्राम दूध 40 बच्चों को चाय कैसे बनेगी? मतलब पूरा पानी गर्म करके पिला देते हैं, तो ये समझ लो छात्रावास 40-50 के समथिंग होंगे। हाँ इतने बच्चे हैं। हाँ नहीं, पिछले साल आए थे हम लोग, बट मजबूरी में आना पड़ता है, वैसे नहीं आते वो, तो पूरे साल रहती है परेशानी। पिछले साल भी हम लोग इसी समय पर आए हुए थे। हाँ बट वो बोलते हैं कि हो जाएगा, ये वो बात टाल देते हैं हर बार की हर बार। हाँ हर चीज़ की बात करते वो कल पे कल टालते जाते टालते, तो हमको मजबूर होकर आना पड़ता है। हाँ बहुत समझ, कभी कभी तो पानी खाना खाने के बाद पानी पीने गांधी पार्क की टंकी के पास जाना पड़ता है। हाँ ये छिब्बर स्कूल पीछे सीनियर बालक उत्कर्ष छात्रावास। सर बच्चों का आरोप है कि अधीक्षक पानी के लिए इकट्ठे करवाते हैं बच्चों के, 20-20 रुपए आज वो जांच करेंगे तो वो ये भी। और सर खाना कैसा हॉस्टल में, खाना कैसा आना चाहिए? खाना शासन से मिल नहीं रहा है, सुबह नाश्ता है, दोपहर में खाना है, शाम को भी है, शाम को डिनर है। सर वो अगर क्वालिटी कैसी देना चाहिए खाने का? मीनू है डिसाइडेड, मीनू डिसाइड हो गया, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए खाने का? अच्छा बनना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं तो आप जांच करते हैं सर, जब भी मैं सर पानी भी पीने को साफ नहीं मिलता, गंदा पानी पिलाते हैं बच्चों को। तो अगर ऐसा है तो जांच सर, इस मामले में अगर अधीक्षक ने गलती पे पाया गया तो आप क्या कार्रवाई? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।